छुपन छुपाई खेल रहे थे। ज्ञानदेव जी को ढूंढना था और पंडरीनाथ को छुपने की बारी थी। ज्ञानदेव जी आंख बंद करके गिनती गिन रहे हैं, पंडरीनाथ भागे वहां से छुपने के लिए, परंतु जहां देखो वहां पे खेत ही खेत नजर आ रहे थे। भागते 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 एक माली था, सामता, उसके पास पहुंच गए और जाके बोले, अरे लाला, वो ज्ञानदेव मुझे ढूंढ लियो, मुझे छुपने की जगह ना मिल रही, जल्दी से बता मैं कहां छुपूं, मैं जीतना चाहूं, मैं हारना ना चाहूं। सामता जो था खेत में, महाराज अपने कड़ासे को लेकर वहां पर खेती कर रहा था, खरपतवार काट रहा था, बार बार काटने में लगो रहे हो है। भगवान बार बार काट रहे हो है स्थान, और यहां पे ठाकुर जी बार बार हिला, ए जल्दी बता रे, कहां छुपूं। सामता खड़ो रहे हो, खड़े होने के बाद बोले हो, जगह तो दूर दूर तक कोई ना लग रही, परंतु एक जगह है जहां पे तू छुप सके। बोले कौन सी? बोले मेरो हृदय, मेरे हृदय में तू आके छुप ले, कोई ना ढूंढ पावे। अरे तो दरवाजा तो दे, दरवाजा तो तूने दियो ना, घुसूंगो कैसे? महाराज हाथ में गड़ासा था, माली ने लेके अपने हृदय पे चीरा लगा लिया और चीरा लगा के कहा, ठाकुर तेरे लिए यह दरवाजा हृदय का खोल दिया है, आजा इसके अंदर छुप जा। भगवान पंडरीनाथ उसी समय महाराज छलांग लगा के उसके अंदर पहुंच गए। ज्ञान और माली ने क्या करा, ऊपर से महाराज अपने पट्टे को डाल लिया, अपने पटके को डाल लिया, डालने के बाद फिर खेती करने लगा। ज्ञानदेव पहुंचे, पूछने लगे, हे सामता, कहां है कन्हैया? तूने देखो कल यहां पर कन्हैया आता भयो? इसने मना कर दी, परंतु महाराज ठाकुर साक्षात स्वयं उसके अंदर छुपा हुआ था, वह तेजोमय बन छुपा था माली, उसके अंदर से अलग से अभूतपूर्व महाराज दिव्यता दिख रही थी। ज्ञानदेव समझ गए ठाकुर और कहीं नहीं, इसके हृदय के अंदर छुपा हुआ है। श्री नामदेव महाराज के पास आए, नामदेव से कही, अरे नामदेव, कन्हैया तो आज बड़ी गजब की जगह छुपो भरे हो, वो माली है ना, माली उसके हृदय में जाके छुप गए हो, तो जरा चल के विनती कर ले, ठाकुर जी से कह दे, ठाकुर जी तुमको ढूंढ लियो, हृदय में छुप गए हो। तो ठाकुर को बैठाना हो तो हृदय के अंदर उसको वास देना चाहिए। मेरे वृंदावन का ठाकुर अनपढ़ है, अनपढ़ 11 वर्ष तक ब्रज के अंदर रहा, नंद बाबा एवं यशोदा रानी ने उसे कभी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि प्रेम जानता था। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम करो, जो पढ़े सुपंडित हो। 11 वर्ष के जब हो गए ना, मथुरा पहुंचे, तब उन्होंने देखी वसुदेव और देवकी ने, अरे राम बड़े जंगली जैसे गांव वाले तरीके के इसके लक्षण है, पढ़ बढ़ने बढ़ने कुछ भेजो, तब भेजो महाराज गुरुकुल संदीपनि मुनि के यहां पर पढ़ने। 11 वर्ष तक महाराज सिर्फ प्रेम की भाषा को जानता है। वही भगवान श्री कृष्ण 9वें स्कंद के अंदर कह रहे हैं, साधवो हृदयम महियम, साधुनाम हृदयम तो हम, मदनियत तेना जानंती, ना हम तेभ्यो मना गपि। बोले मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय के अंदर रहते हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं संसार के। भक्ति वश पुरुष श्रुति कहती है, ठाकुर जी कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो, मुझे अगर सच में अपने पराधीन करना है और तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारी हर चीज को जानूं, तो अपने हृदय में मुझे बैठा लो।
मैं अपने हृदय के अंदर तुम्हें बैठा दूंगा। योगी नहीं कर सकता है यह काम, ज्ञानी नहीं कर सकता है, कर्मकांडी नहीं कर सकता है, जो भक्त है वह कर सकता है। ठाकुर एकमात्र भक्ति जो करे उसके वश में आ जाता है। हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंदर श्री माधव दास जी, श्री जगन्नाथपुरी के अंदर उनका वास था। भगवान श्री जगन्नाथ से अनन्य प्रेम था, इतना अनन्य प्रेम कि भगवान श्री जगन्नाथ एक दिन जंगल के अंदर ही है, माधव दास रहते थे, कभी कभी भिक्षा भी नहीं लेने जा पाते थे, भजन करते रहते थे। तो श्री जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ और जाके जरा उसे, यह मेरा जो थाल है इस थाल को लेके जाओ और उसे मेरी प्रसादी दो। श्री लक्ष्मी जी की कुटिया में पहुंची, कुटिया में पहुंची, स्वर्ण थाल था, लक्ष्मी जी लेके गई हैं, महाप्रसाद श्री जगन्नाथ का है। वहां मना कर रहे थे कि देवी मत आओ, हमको मत दो, मैं तो सिर्फ भजन करना चाहता हूं, मेरा भजन ही भोजन है, बार बार कह रहे थे। परंतु लक्ष्मी को यह आदेश मिला था, वह वहां पर पहुंचकर उस महाप्रसाद के थाल को छोड़ गई। इन्होंने महाप्रसाद को पाया, अब जगन्नाथ के मंदिर से वह स्वर्ण का थाल मिसिंग हो गया। तो गजपति ने, राजा ने वहां आदेश दिए कि जाओ सैनिकों और ढूंढ के पता लगाओ कि चोर कौन है। पूरे जगन्नाथपुरी के अंदर, वनों के अंदर सैनिकों की टोलियां जग गई, और जाने के बाद राजा के सैनिक जैसे ही कुटिया में माधव दास की पहुंचे, वहां पर स्वर्ण का थाल मिल गया। राजा ने 100 कोड़े लगवाने का आदेश दिया, 100 कोड़े का आदेश दिया, 100 कोड़े पड़े माधव दास को, निशान श्री जगन्नाथ की पीठ पर थे। गजपति को आदेश दिया और आदेश देके कहा, वह भूखा वहां पर बैठ के मेरा भजन करता है, भोजन देना मेरा कार्य है। जब माधव दास की तबीयत खराब हो गई थी, शरीर के अंदर कमजोरी आ गई, कहा महाराज दस्त आदि लग गए उनको, उनकी कथा के अंदर आता है, जगन्नाथ स्वामी, मेरे जगन्नाथ भगवान स्वयं उसका लोटा लेके वन के अंदर जाते थे और शुद्धि करवाते थे, और माधव दास रोते थे, भगवान यह कार्य तुझे नहीं करना चाहिए, तो अशुद्धि का कार्य है। भगवान कहते थे कि योग क्षेम वयाम अहम, तू मेरे लिए जीता है, मैं तेरे लिए जीऊंगा। ठाकुर जी महाराज, वह माधव दास खड़े भी नहीं हो पाते थे, उनको शुद्धि करवा रहे हैं लोटे के जल से, उनके हाथ धुलवा रहे हैं, कंधे पर पकड़ पकड़ के उनके उनको कुटिया पे लेके जा रहे हैं। किसी योगी के संग उन्होंने इस लीला को नहीं करा, किसी ज्ञानी के संग उन्होंने इस लीला को नहीं करा, किसी कर्मी के संग उन्होंने इस लीला को नहीं करा। वह जब यह लीलाएं करते हैं तो वह सिर्फ एकमात्र भक्त के वश में होकर करते हैं। कितने जप कर लिए जाएं, कितने तप कर लिए जाएं, कितने योग कर लिए जाएं, परंतु गीता भी कहती है, भागवतम भी कहती है, महाराज समस्त जितने भी वेद हैं एक ही बात को कहते हैं, भगवान को अगर पराधीन करना है तो भक्ति से ही एकमात्र हो पाएंगे, इसके अलावा और दूसरी कोई विधि नहीं है। ठाकुर अनपढ़ है तभी तो उसने इस बात को कह दिया ना, मदन यत तेना जानंती ना हम तेभ्यो मना कपी, बोले मैं अपने साधु के सिवा किसी और को जानता ही नहीं हूं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसको जानता हूं, क्यों, क्योंकि वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय के अंदर रहता हूं। यहां भगवान ठाकुर जी बड़ी प्यारी प्यारी माखन की लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिना
ठाकुर जी सोने की चेष्टा कर रहे परंतु नींद नहीं आ रही थी। मैया बार बार कोशिश कर रही है सुलाने को परंतु ठाकुर जी सो नहीं रहे। मैया ने लियो और लेने के बाद ठाकुर जी को अपनी गोदी में बैठा लियो और गोदी में बैठाने के बाद अब मैया कर रही है, बेटा एक लोरी सुन। लोरी मैया अब लोरी सुनाने के लिए तैयार भई। कहवे सुनिए सुत एक कथा कहूं प्यारी, कमल नयन मन आनंद उपजयो चतुर शिरोमणि देत हुंकारी। जैसे ही सुनी मैया आज एक कहानी सुनावेगी बड़े खुश है गए। चतुर नयन बोले वाह, मैं वैसे लेटो रहूं तो मैया कहेगी सोना रहो सोना रहो, आज तो मैया टीवी दिखावेगी हमें, हम ना सोएंगे आज तो पूरी पिक्चर देखेंगे, जो लोरी है पूरी पिक्चर। मैया ने बोलने शुरू करो, दशरथ नृपति हति रघुवंशी ताके प्रकट भये सुत चारी। भैया एक राजा हो दशरथ, लाला एक राजा हो दशरथ, वह रघुवंश के अंदर वाको जन्म भयो, ताके प्रकट भये सुत चारी बाके चार चार छोरा भये, तिन में मुख्य राम जो कहियत जनक सुता ताकी बर नारी। बापो सबसे बड़ो वालो जो छोरा हो ना, बापो नाम राम हो राम और बाकी लुगाई को नाम हो सीता। तात वचन लगी राज तन तजियो तिन अनुज घरनी संग गए वनचारी। बोले पिता ने एक दिना राम से यो कह दिनी कि भैया तुम 14 वर्ष के ताई वनवास करो। तो जैसे ही वनवास के ताई कही अनुज घरनी संग गए वनचारी, वह राम सीता को और लक्ष्मण को लेके वन की तरफ निकल गयो। धावत कनक मृगा के पाछे राजीव लोचन परम उदारी। भैया एक दिना को दिना हो सीता जी ने देखो कि एक सोने को हिरण भाग रहे है। सीता जी बोली सोने को हिरण हमको चाहिए। धावत कनक मृगा के पाछे राजीव लोचन परम उदारी, वह परम उदारी राजीव लोचन भगवान श्री राम भागे भागे महाराज धनुष बाण को लेके उस हिरण को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वह चले गए, सीता अकेली है, रावण हरण सियों को सिया को कीनो सुनी नंद नंदन नींद निवारी। महाराज रावण आयो और रावण ने आके सीता जी को हरण कर लियो और जैसे ही सुनी कि महाराज सीता जी को हरण कर लियो, सुनी नंद नंदन नींद निवारी, आंखें एकदम खुल गई नंद बाबा के छोरा की और चाप चाप करी उठे, चाप चाप करी उठे सूर प्रभु लक्ष्मण देहु जननी ब्रह्म भारी और खड़े है गए और जोरदार से कहने लगे लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा बाण लेके आ, मेरा धनुष लेके आ, रावण सीता का अपहरण करके ले गया है, अरे हमें उसका पीछा करना है, उसे जान से मार देना है। मैया सोच रही है जो छोटो तो छोरा राम भी बन गयो, बड़ो लक्ष्मण लक्ष्मण कर रहे हो, बड़ा धनुष बाण चाहिए, छोटा सा पेंजी सा छोरा कर रहा लक्ष्मण राम, अरे अच्छा हमारे घर में राम जी को जन्म भयो। महाराज सोच रही सोचते सोचते दिमाग के अंदर आई, अरे छोरा बोला सब रामलीला की प्रैक्टिस करें, जी पहुंच गयो होएगो और राम को किरदार निभाने की कोशिश करी होगी जाने। अब मैया को क्या मालूम राम सार दोनों एक है, वहां राम का आवेश आ चुका था, अब तुम्हारा नींद नहीं आ रही है, ठाकुर जी थड़ थड़ भाग रहे हैं, मैं कहां से सीता को लेके आऊं। राम जी महाराज उस वेदना को यशोदा मां
वात्सल्य भाव में देख रही है, पकड़ के बैठा के बोलो अरे नारायण मिल गए राम जी, सीता भी मिल गई, तू सो जा राम से। जैसी श्री हाँ सीता जी मिल गई, राम जी महाराज अपने राज्य अयोध्या में वापस आ गए, ठाकुर जी बड़े शांति से सो रहे। एक दिन ठाकुर जी को माखन की हंडियों के पास बैठाई दिया, ठाकुर हमारे यहां को है ना बड़ो भूखो है, गीता वाला जो है ना कल तो दो दो बताए ना भगवान, गीता वाला है ना बड़ो संयमी है, वो योगेश्वर है, वो कहा है भाई पानी दे दो फूल पत्ती दे दो भाई मैं खुश है जाए। कहने ना गीता के अंदर कोई मुझे तुलसी भी दे दे, कोई मुझे फूल पत्ती भी दे चढ़ाए दे, कोई मुझे पानी भी दे दे मैं खुश है जाऊं। अरे ब्रज वालों है ना निरो भूखो है, निरो भूखो है, चार चार बार खिलाना पड़े या ईश्वर भाव में तो उसे कहां भूख लगेगी। देखो समझने का प्रयत्न करना ना, ईश्वर भाव में है उसे कहां भूख लगेगी, वो तो सच्चिदानंद देह का है, उसे कौन सा माखन मिश्री से मतलब है। परंतु जहां भाव आ चुका है अरे जी तो मेरो है, मेरो लाला है, मेरो प्रियतम है, वहां पे ठाकुर जी भी भूख लग जाए तो ब्रज वालों जो ठाकुर वो महाराज निरो भूखो, इतनो भूखो कि इतनो माखन खाने के बाद भी बाप मन ना भरे और कहीं ना कहीं कोशिश ही करते रहे कहां से और मक्खन मिले, कहां से और मक्खन मिले। हमारे यहां श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र मतलब भाई ग्रेट ग्रैंड सन कृष्ण के वज्रनाभ जी, भगवान ने जब अपनी लीलाओं को पूरा करा तब वज्रनाभ जी ने जितने भी गोप ग्वालगण हैं गोप गोपियां हैं उनके पुरोहित उनके गुरु श्री शांडिल्य मुनि के पास गए और जाके हैं स्कंद पुराण आदि के अंदर सब जगह कथा आती है, जितनी भी लीला स्थलियां हैं ब्रज के अंदर वहां जा जाके भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह स्थापित करें। तो आज भी वह श्री विग्रह उस धाम के अंदर है, स्कंद पुराण आदि के अंदर भी वर्णन आता है कि श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने का प्रयत्न करा, अपनी मां से पूछा कैसे दिखते हैं श्री कृष्ण, तो पूरा जो पूरा विस्तार से डिस्क्राइब करा, उसके बाद तीन मूर्तियां बनाई। तीन मूर्तियां बनाने के बाद भगवान मूर्तियों को ले जाके मां के को दिखाया और दिखा के पूछा कि ये कौन से वाले श्री कृष्ण है, कौन सी वाली मूर्ति में पूरे श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो तीन श्री विग्रह मदन मोहन को देखा तो मैया ने कहा कि इसके चरण जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण के जैसे हैं। गोपीनाथ को देखा तो महाराज कहा इसका जो वक्षस्थल है यह श्री कृष्ण जैसा है। फिर गोविंद देव को देखा तो गोविंद देव को देखने के बाद कहा इनका जो श्रीमुख है वह भगवान श्री कृष्ण जैसा है। तो स्कंद पुराण के अंदर ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की इन तीनों श्री विग्रहों को एक दिन में जो देख लेता है, पहले श्री मदन मोहन जो करौली के अंदर अब है, वृंदावन से जिनकी श्री मूर्ति श्री विग्रह जो है वह 500 वर्ष पहले चले गए थे, वह करौली के अंदर विद्यमान है राजस्थान के अंदर, प्रथम उनके दर्शन करे, उसके बाद वक्षस्थल जयपुर के अंदर ही गोपीनाथ पहुंच चुके हैं उनके दर्शन करे, और उसके बाद सिटी पैलेस जो जयपुर का है उसके ठीक पीछे ही सिटी पैलेस के अंदर ही गोविंद देव विराज रहे हैं, उन गोविंद देव के दर्शन करे। तो करने से श्री कृष्ण को के दर्शन का साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो तीनों नहीं कर पाए, जो तीनों नहीं कर पाए, शास्त्र कहता है वह श्री राधारमण देव के दर्शन कर ले, उन तीनों श्री विग्रहों को दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है।
भगवान रास स्थली पर रास कर रहे थे, गोपियों को विरह आ गया। गोपियों को पहले अभिमान आया, अभिमान जैसे ही आया ठाकुर जी बोले भैया सब गोपी सोच रही है मैं बड़ी खूबसूरत हूं, देख के भी नहीं आई, दर्पण में किसी ने काजर की जगह पर लिपस्टिक लगाई दी, लिपस्टिक की जगह काजर लगाई दी, और बाकी बाद भी चोली की जगह पे महाराज अपनो ऊपर नीचे को लहंगा धारण कर लियो है, हाँ, और नीचे की तरह धोती की तरह से दुपट्टा बांध लियो है, बोले उल्टे सीधे कपड़ा पहन के आइए और यहाँ पे आके ऐसे ठाटे दिखा रही है हमारे संग की जय हमारी लुगाई है, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी। ठाकुर जी बोले ऐसा अभिमान तो हम तो छोड़ के चले, तुमको छोड़ छाड़ के महाराज निकल गए श्री राधा रानी के संग। गर्ग संहिता के अंदर कथा आती है कि भगवान एक स्थान है सेवा कुंज, उस सेवा कुंज वृंदावन के अंदर पहुंचकर राधा रानी को लेके गए, राधा रानी को ले जाके बैठाए और राधा रानी से बोले देखो तुम भागी भागी आई, कपड़ा सही से ना पहने, श्रृंगार सही से ना पहनो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करना चाहूं राधे। तो गर्ग संहिता में लिखो है ठाकुर जी ने भैया सब जितने भी फूल है उन फूलन को तोड़ तोड़ के प्रिया जी को एक अच्छो सो श्रृंगार तैयार करो, 40 किलो की प्रिया जी 45 किलो की ड्रेस पहनाए दी, इतने फूल से लद दियो ऊपर से नीचे तक फूल ही फूल की ड्रेस बना के फिर बोले अब तुम बड़ी जच रही हो राधे, चलो मेरे संग, पीछे से भागी भागी गोपियां आ रही हैं कहीं ढूंढ ना ले गए। राधा रानी वैसी हल्की फुल्की सी, ऊपर से भैया इतनो भारी सो लहंगा पहनाए दियो, अब राधा रानी चलन लगी, चलते चलते वो बोली अब तो हमसे नाए चलो जाओ भैया हमारे तो पैर वैर टूट रहे हैं। कन्हैया बोलो तो एक काम करे राधे, हमें घोड़ा बनने को बहुत पहले से शौक है, हमारे सब सखा आ जाते और बोलते श्री दामा सुदामा, हाँ सब के सब आया आए के कहते घोड़ा बन जाते रिपीट पे बैठने वाले, बोले हमें बहुत सारो शौक है घोड़ा बनने को, बोले फिर ऐसो काम करें तू जा वाले पेड़ पे चढ़ जा, पीपल को पेड़ को, पीपल के पेड़ पे, बोले पीपल के पेड़ पे चढ़ मैं घोड़ा बनू तो ऊपर से कूद जाइयो मेरे ऊपर और मेरी पीठ पे बैठ जाइयो और फिर बाकी बात मैं तुझे लेके चलो। महाराज राधा रानी ऊपर को चढ़ी पेड़ पे और ठाकुर जी नीचे घोड़ा बने, ऊपर से बोले हाँ तैयार हो, नीचे से बोले हाँ जी बिल्कुल तैयार है कूद जाओ। महाराज जैसे ही कूदे ठाकुर जी नदारत वहां से धड़ाम, अब राधा रानी श्रीमद् भागवतम के अंदर भी कथा है प्रास पंचाध्याय में प्रथम बार बोली हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाराज, प्रथम बार श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को रमण कह के पुकारा, हे रमण तुम कहां हो, परंतु श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो चुके थे, गोपियां चहुं ओर जा जाके ढूंढ रही हैं। भागवत के अंदर तो लिखा हुआ है सर्वप्रथम वही तो वृक्षों से पूछने लगे थे, पहले लताओ बताओ से पूछा है, लकी लताओ बताओ तुम्हारा वेव जरा बड़ा लंबा लंबा है एक से दूसरी कनेक्टेड हो, ये बताओ कृष्ण किधर को गए हैं, अभी भागवत पढ़ना कहां था। उसके बाद जब लताओं पताओं से उत्तर नहीं मिला है तो बड़े बड़े वृक्षों से पूछा है, पीपल से पूछा है, अशोक से पूछा है, बड़ से पूछा है, अरे तुम बहुत ऊंचे हो ऊपर से ही देख के बताओ कि कहां है वह कृष्ण, जब उनसे भी उत्तर नहीं मिला है तब तुलसी से पूछा है, जब तुलसी से उत्तर नहीं मिला है तब महाराज पूछते हैं ये जितने भी फूल वाले वृक्ष थे अरे तुम ही बता दो ठाकुर को फूल बड़े पसंद है, तुम्हारे पास आए होंगे तुम्हारे पास से निकले होंगे वह जान तुम जानते होगे किधर गए हैं ठाकुर। राधा रानी अपने रमण को ढूंढ रही है, कहां है रमण कहां है रमण,
भगवान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो श्रीरंगम के अंदर वास करते थे, श्रीरंगम जो इस विश्व का वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस विश्व का सर्वप्रथम मंदिर है। इस सप्तलोकी के अंदर जो प्रथम नारायण की मूर्ति आई, जो ब्रह्मा को नारायण ने साक्षात दी और जिसकी सत्यलोक के अंदर उपासना होती थी, और जब राम जी ने त्रेता युग के अंदर अपने अयोध्या नगरी को बसाया था, उस समय पर उस नगरी का इष्ट देवता की जरूरत थी, उस समय पर वशिष्ठ मुनि गए थे उस सत्यलोक के अंदर और जाके उस मूर्ति को ब्रह्मा से मांग के लेके आए थे। शर्त इतनी थी कि जहां रखोगे वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा, और भाई सत्यलोक से तो इस पृथ्वी धरा धरती पर आ गई। वह मूर्ति आज भी श्रीरंगम के अंदर विराजित है, उससे पहले साकार रूप कभी भी नहीं देखा गया था भगवान का। उस प्रथम मूर्ति विश्व की वाल्मीकि रामायण के अंदर बड़ी प्यारी कथा है इसकी। उसके साक्षात उपासक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता के संग शास्त्रार्थ करा, प्रेम पूर्वक शास्त्रार्थ करा और कहा, तुम लक्ष्मी और नारायण के उपासक हो समझ में आती है, परंतु तुम्हारे नारायण के अंदर चार गुण नहीं है जो कल बताए थे। जैसे ही सुना, सुनने के बाद वेंकट भट्ट गोस्वामी वहीं पर हाथ जोड़ के बोले, मुझे तो वृंदावन वाले कृष्ण ही चाहिए। फिर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी वहां पर कृपा प्राप्त करी और कृपा प्राप्त करके प्रथम शिष्य बने। शिष्य बनने के बाद वृंदावन का ग्रह जागृत हो गया, और ऐसा ग्रह जागृत हुआ कि चैतन्य महाप्रभु से चार महीने तक वेद वेदांत सब भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करा, तत्व भक्ति तत्व को जाना, और जानने के बाद महाप्रभु ने कहा कि जिस दिन ग्रह अपनी चरम सीमा पर आए उस दिन यहां इस श्रीरंगम को छोड़ के वृंदावन चले जाना। जैसे ही इस बात को कहा, भगवान कुछ दिन रुके, अभी उम्र 15-20 वर्ष की ही रही होगी, ये अपने घर से भागे और भागते हुए दक्षिण भारत से वृंदावन 3-4 हजार किलोमीटर तो होगा ना, पागलों की तरह से भागते हुए, ना दिशा का कोई होश है, ना कभी अपने गांव से भी बाहर निकले थे, परंतु आज तो वृंदावन जाना है, यह सोचते हुए भाग भाग कर महाराज वृंदावन की तरफ चल रहे हैं। जो व्यक्ति मिल रहा है पूछ रहे हैं, वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है। कोई पहले जीपीएस कहाँ होता था जो बता दे कहाँ महाराज वनों से निकल रहे हैं, ना खाने का होश है ना पीने का होश है, जहां कुछ खाने को मिल जाए वही खा रहे हैं, जहां सोने को मिल जाए वहां सो रहे हैं। कोई व्यक्ति कोई गांववासी देखते कि कोई बड़ा साधु आया है, सब उनके पास आते तो डर जाते, हाय राम ये कौन आ गए मेरे पास अपरिचित, भागते हुए महाराज फिर वृंदावन की तरफ चलते। वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं एक ब्राह्मण बन के उनकी सेवा में आ गए। रोज सेवा करते, सेवा करने के बाद बोले, तू कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी पास पूछते, बोले मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण क्यों आया तू मेरी सेवा करने को? अरे ना रहने को तेरो ठीक, ना सोने को तेरो ठीक, ना तुझे बावरे तुझे जी ना मालूम वृंदावन किसकी तरफ है, मैं तुझे वृंदावन ले जाने के तैयार। भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात उस ब्राह्मण के रूप में आकर उनको वृंदावन लेके गए। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचते ही जैसे ही परिसीमा पर पहुंचे, ब्राह्मण ने कही, भैया जे गयो तेरो वृंदावन। जैसे ही इस बात को कहा, पीछे मुड़ के हाथ पकड़ने की ब्राह्मण की कोशिश करी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने कहा, चल मेरे संग तू। महाराज पीछे से तो वह ब्राह्मण गायब हो चुका था, वह साक्षात श्री कृष्ण बन के वहां खड़ा हुआ था और कर रहा था, लाला
तू तो इधर उधर भटक रहे हो, परंतु देख तुझे खुद लेके आया हूं, अब तू मेरी यहां पे बैठ के रोज भक्ति कर लो। वृंदावन के अंदर पहुंचे, अब वृंदावन में मैं कहां पे रहूं, कौन से स्थान का चुनाव करूं। तब गुरु गोविंद की कृपा सुन, वही पीपल का पेड़ जहां से राधा के वह रमण अदृश्य हुए थे, उसको तपस्या की स्थली बनाया, और तपस्या की स्थली बनाकर भगवान वहां पर रोज प्रतिदिन तपस्या करते थे। भगवान महाप्रभु का एक दिन आदेश हुआ कि मेरी उपासना अगर तू करना चाहता है तो गंडकी नदी जा। वृंदावन से गंडकी नदी वही नेपाल पहाड़न में हिमालय पर, भगवान जो कभी आज तक घर से ना निकलो, जो घर से निकल के वृंदावन ही पहुंचो और पहुंचने के बाद वासे कह रहे हैं कि तू चलो जा नेपाल, बिना भगवत कृपा के मुमकिन नहीं लगता है। या तो बिना जीपीएस के एक रोड से दूसरी रोड ना जाया जा सके, मैं तो देखूं सबन को टोन टोन लगा लगा के मर जाऊं। कोई चार रोड याद होंगी होंगी, पांचवी रोड भी याद ना है व्यक्ति को, दूसरे शहर की कितनी रोड याद रखोगे, और जो कभी गयो भी ना है उसकी सोचो, उससे कहीं तू हिमालयों के पहाड़ों को पार करता हुआ भी गंडकी नदी पर पहुंच जाए। जंगलों में रोड साइन भी नहीं होते थे, बड़े बड़े हिंसक पशु वहां रहते थे, परंतु जहां भगवान की कृपा होती है वहां पर कोई नहीं रोका जा सकता है। भगवान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद चलते चलते उस गंडकी के नदी पे पहुंचे। पहुंचने के बाद स्नान ध्यान करा, करने के बाद जब अपने कमंडलू के अंदर जल भरने लगे तो कुछ शालिग्राम शिला पानी के वेग से चलती हुई उनकी कमंडलू के अंदर आ गई, तो सोचने लगे मैं तो विरक्त हूं, विरक्त महात्मा हूं, मेरे बाद इसकी कौन उपासना करेगा, मैं उपासना ना करूं तो अच्छा है। उठा के महाराज फिर से सबकी सब डाल दी, फिर से महाराज जल भरा, जल जैसे ही भरा फिर से कुछ शालिग्राम शिला आ गई। कभी शालिग्राम शिला पानी में ऊपर की तरफ नहीं आती है, नीचे हमेशा रहती करती हैं। आप सब जो दर्शन करने गए हो आप जानते होंगे, परंतु वहां तो आज चमत्कार का दिन था, गोपी गोपाल भट्ट जी को भगवान की प्राप्ति होनी थी। इन्होंने देखा कि फिर से आ गई, इन्होंने फिर से कमंडलू को खाली कर दिया, मैं क्या ले जाके करूंगा। फिर से महाराज भरा, भरने के बाद फिर से यही हुआ कि अरे राम अरे राम अरे राम, फिर से ठाकुर जी आ गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई, ठाकुर जी को यह प्रेरणा हुई, श्री गोपाल भट्ट जी को यह प्रेरणा हुई कि भगवान वृंदावन चलना चाहते हैं, इसी वजह से बार बार कमंडलू में आ रहे हैं। बारह शालिग्राम शिला, बारह शालिग्राम शिला, वह भगवान एक छोटे से कमंडलू में आ चुकी थी लेके वृंदावन पहुंचे। पहुंचने के बाद विधिवत रूप से तपस्या स्थली जो बना रखी थी वह पीपल का पेड़, वहां पर बैठकर नित्य प्रतिदिन सेवा करते थे। नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन एक भक्त आया और आके कुछ वस्त्र अलंकार आभूषण देने लगा। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बोले, यार मेरे तो ठाकुर के ना हाथ है ना पैर है ना आंख है ना मुंह है, ना मैं कहां पे ना हूं, क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ले जा वापस। परंतु बार बार बोलने लगा, प्रभु आपके निमित्त दान निकाला है, आपको ही देना चाहता हूं, आपको लेना पड़ेगा। बार बार जब महाराज मिन्नतें करी, मिन्नतें करने के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को उस भक्त से यह सब दान लेना पड़ा। लेने के बाद भगवान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अब सोच रहे हैं, ठाकुर तू असुर लोक के अंदर खंभ से प्रकट हो गया, आज नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, अरे मैं तो इस पीपल के पेड़ के नीचे इस तपस्या स्थली बना के बैठा हूं जहां से तू अदृश्य हुआ था, और साक्षात शालिग्राम की उपासना कर रहा हूं, शालिग्राम की उपासना एवं साक्षात श्री कृष्ण की उपासना में कोई अंतर नहीं।
नहीं है, अणुमात्र भी अंतर नहीं है। शास्त्र कहता है जहां शालिग्राम शिला मिल जाए उसी तक क्षण ही उपासना करनी शुरू कर देनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण 3 शिलाओं के अंदर आज भी विराजित हैं। जो व्यक्ति धनी हो वह खूब अच्छी सी मूर्ति खरीदे, बनवाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाए, परंतु जिसके पास अच्छा धन नहीं है परंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण 3 शिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। प्रथम है महाराज शालिग्राम शिला, दूसरी है द्वारका शिला और तीसरी है गोवर्धन शिला। इन 3 शिलाओं को जहां कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले वहां उसी समय उसकी उपासना करनी शुरू कर दे। छोटो सो ठाकुर कालो कलूटो सो काली सी हो गए, किस जाप सब में जिन्होंने दर्शन करे हो, ना मुंह दिख रहा है शालिग्राम शिला का, ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है। भगवान मन के अंदर अब विरह जागृत हो गया, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं साक्षात जब तुम्हारी उपासना कर रहा हूं और यहीं से तुम अदृश्य हुए थे तो तुम्हारा प्राप्ति का स्थान भी एकमात्र यह है। श्री भगवान जैसे प्रहलाद के लिए तुम खंभ फाड़ के आए थे, मैं भी तुम्हें चाहता हूं कि तुम बाहर निकलो और मेरे लिए यहां पधारो। बार 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 प्रहलाद स्तुति करने लगे, बार बार महाराज चीखने लगे, रोमांचित होने लगे, विरह में रोने लगे, क्रंदन करने लगे और क्रंदन करते हुए बार बार बोल रहे हैं हे ठाकुर पधारो, हे ठाकुर प्रकट हो। करते करते बेहोश हो गए। नरसिंह चतुर्दशी बीत गई और वैशाख की पूर्णिमा आ गई और जैसे ही पूर्णिमा आई 12 शालिग्राम शिला में से एक शालिग्राम श्री दामोदर शालिग्राम शिला थी, जिनके पेट पर शालिग्राम में जिनके पेट पर रस्सी का बंधा हुआ निशान होता है, रस्सी का निशान होता है, उसे दामोदर शालिग्राम शिला कहा जाता है। 12 में से एक शालिग्राम शिला श्री दामोदर शालिग्राम शिला। भगवान को ऐसी प्रीत लगी श्री गोपाल भट्ट जी से कि दामोदर शालिग्राम शिला श्री राधारमण देव के रूप में प्रकट हो गई। श्री राधारमण लाल की जब नाम दिया गया ना ठाकुर, पूरा ब्रज रसिक समाज वहां पे एकत्र हुआ, क्योंकि आज गोपाल भट्ट जी के प्रेम से आज रस मूर्ति मिली है। जब सब रसिकों ने बैठकर ठाकुर जी को क्या नाम दियो जाए है सोचो, सोचने के बाद सब जानते थे यह वह स्थली है जहां से राधा के रमण गए हुए थे, अदृश्य हो गए थे, तब उस स्थान पर कहा गोपाल भट्ट इस स्थान से राधा भी रमण रमण कह के पुकारती रही परंतु वह प्रेम मूर्ति प्रकट नहीं हो पाए, परंतु तेरे विरह के कारण आज वह राधा के रमण यहाँ प्रकट होके शालिग्राम शिला से प्रकट होके तुझको प्राप्त भए हैं, आज से तेरे वाले ठाकुर को नाम श्री राधा रमण देव होगा। ये चतुर्थ सर्व पुराना मंदिर है, वृंदावन का सर्वप्रथम पुराना मंदिर है मदन मोहन, दूसरा है गोविंद देव, तीसरे हैं गोपीनाथ, चौथे हैं राधारमण लाल। तो जहां प्रेम हो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, परंतु वश में उसके रहते हैं जो भक्ति करता है। कौन सी वाली भक्ति, जहां संबंध बनता है वहां पे वशता आती है। प्रहलाद भी भक्त थे परंतु वश में रख के नहीं बैठ पाए, एक ही बार आए थे प्रकट होके पाताल का राजा बना दिया परंतु उसके बाद नहीं आए। ध्रुव को भी मिले 5 वर्ष की अवस्था में ही मिल गए परंतु मिलने के बाद भी संबंध नहीं था। ऐश्वर्य वाले भगवान की उपासना करता था, जहां ऐश्वर्य वाले भगवान की उपासना करोगे ना तो भगवान की मर्जी चलती है, जहां उसे पुत्र मान लोगे तब तुम्हारी मर्जी चलती है, दोनों में अंतर है। तभी मैं कहता हूं वृंदावन वाले को पकड़ना आसान है क्योंकि वहां पर
छोटा बच्चा भी क्यों ना बन गया हो, परंतु देवकी वसुदेव का यह भाव था, ऐश्वर्य माधुर्यमयी भक्ति थी, जिसके कारण क्या हुआ कि हमेशा देवकी और वसुदेव को लगता था ये भगवान है, परंतु मेरे लिए बच्चा बन के आए हैं। ठाकुर जी बोले तेरे घर पर तो कोई लीला ना करो। दूसरी तरफ यशोदा नंद बाबा का भाव था, ये मेरा बच्चा है, परंतु गर्ग मुनि ने कह रखी है कि इसमें भी नारायण जैसे कुछ गुण है। जब गए थे ना गोवर्धन लीला करने के लिए, ठाकुर जी बोले हम पहाड़ को खुद ही उठाए लेंगे, सबके सब बोले ताकत तो तेरे में है ना, खड़ो तू सीधो रह न सके, और तू कह रहे पहाड़े उठाए ले, क्यों नंद बाबा उठाए सकेगा। तब महाराज नंद बाबा करते, भैया नारायण सौ गुण है जाके अंदर। नारायण ने जब कूर्मा अवतार लेके मदराचल पर्वत उठाए लियो तो सप्तकोशीय छोटो सो जे पहाड़ मेरे लाला ना उठा सकेगा। हमारे ब्रज में महाराज गोवर्धन के पास एक बहुत बड़ो सो पेड़ हो, तो पहले सखन ने कही, पहले एक काम कर रहे लाला। बोले क्या? बोले पहले जा पेड़ को मरोड़ के दिखा तो हम देखें तेरे अंदर शक्ति है। भगवान ठाकुर जी ने पेड़ की तने को पकड़ा और पकड़ के घुमा दिया। हमारे यहां ब्रजभाषा में बोले ऐंचा दिया, मतलब जो कपड़ा है तुम करो ना। अब अंग्रेजी इतनी ना जाने पर जो भी है फीलिंग समझ लो तुम हमारी, और कुछ ना चले दिया। महाराज आज भी जाओ उस स्थान पर ब्रज 84 कोस की जो भी यात्रा करे, ऐंचा गांव है, ऐंचा गांव वहां पे वो पेड़ है बिल्कुल ट्विस्टेड पूरा अंग्रेजी जैसे ही जे फीलिंग आ गई। महाराज है जोरदारी से घुमाए दियो, सबन को विश्वास है कि नायरे ताकत तो है, पेड़ घुमाए दियो जाना तो छोटे से है। तो भगवान जहां ऐश्वर्य माधुर्य है, जहां मिक्सअप है ना, वो मेरा भगवान पहले है बेटा बाद में, कभी ना लीला होगी तेरे घर पे। जहां फीलिंग आ रही है यशोदा जी को छोड़ा है, तुम्हारा छोरा ना है, तुमने थोड़ी ना जन्म दिया हुआ है, यशोदा जी को छोड़ा है। भावना वात्सल्य के अंदर यशोदा जी के लड़के की रहती है, यशोदा नंदन की रहती है। आप तो वात्सल्य रूप में होकर यशोदा जी की सहायता करते हो सेवा करने की। जहां यह भाव आ जाता है, यह शास्त्रीय भाव आता है, तब ठाकुर जी तुझको भी अपनी मैया मान लेते हैं और मेरे संग लीला करते हैं। तो भगवान एक दिना कन्हैया माखन की हड़ियन के पास बैठो, माखन की हड़ियन के पास बैठो बैठो। लाला ने सोची अकेलो बैठो गयो, बड़ो सारो माखन रखियो है, कछु पेट में जावे तो बड़ो आनंद आवे। ठाकुर जी उठे और उठ के महाराज अपने चेहरा को माखन की हड्डिया में लटकाए, और लटका के जैसे ही खाने को भय तो माखन माखन की हड्डिया में माखन को पानी जो हो ऊपर तैर रहे हो। तो माखन खात हसत किलकत हरी, पकरी स्वच्छ घट देखियो, निज प्रतिबिंब निरख रिस मानत जानत आन परेखियो। ठाकुर जी ने खाने के ताई महाराज पहले खाए रहे, जैसे ही मटका को पकड़ लो, मटका को पकड़ के खड़े भय, पेंदी से तो छोरा छोटो सो तो छोरा, महाराज घड़े पकड़ के खड़ो गयो नीचे झांको। जैसे ही झांकियो निज प्रतिबिंब निरखी रिस मानत देखियो, अरे भगवान मेरे घर में चोर आ गयो है, और चोर मटका के अंदर छुप के मेरे माखन को खा रहे हो। निज प्रतिबिंब निरखी रिस मानत जानत आन परेखियो, मन में माख करत, माख को मतलब हुए क्रोध, तभी हमारे माखन ये शब्द जो है ना, इसमें क्रोध रहित जिसका मन है उसको लूटने के लिए ठाकुर जी कोशिश करते। तो मन में माख करत कछु बोल
बाबा बोला हाँ बेटा कहाँ रहे हो? बाबा हमारे घर में चोर घुस के आ गयो। बाबा ने कही कहाँ है चोर? अरे बाप मटका के अंदर जाके छुप गयो, हमारे मेरे माखन खाए जा रहे हो। बाबा तू चल मेरे संग और चल के भाई जल्दी से उस चोर को पकड़ के बाहर निकाल के फेंक दे। बाघट में काहू को लड़का मेरो माखन खाए, मेरो माखन खा रहे हो? इतनी हिम्मत आ गई मेरो माखन खा जाएगा, मेरे घर के अंदर चोरी करेगा। महर कंठ लावत मुख पहुंचत चूमत ती ही ठा आयो, हृदय दिए लखियो वा सुतगो ताते अधिक रसायो। महाराज नंद बाबा ने बड़ो प्रेम करो, माखन खाए रहो तो मुंह पहुंचो चूमो हाँ ठाकुर जी को, और अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा के बोले अच्छा शांत है जा तेरे संग चल रहा हूं, देखू कौन सो आयो चोर। तो चूमत ती ही ठा आयो, मतलब उस घड़ी के पास आए, मक्खन क्या जो वह हड्डिया ही बा के पास आए। अब लाला ने और नंद बाबा ने दोनों ने घड़ा के अंदर झांक के चोर को देखने की कोशिश करी। हृदय दिए लखियो वासुत को ताते अधिक रसायो, महाराज कन्हैया ने देखियो कि नंद बाबा ने बा छोरा बा चोर को अपने गले पे लगायो है, लगो तो कन्हैया हो परंतु जब प्रतिबिंब दिखो हड्डिया के अंदर व जल के अंदर तो ऐसो देखो बाबा तो मेरी मेरी तो कह रहो कि ना मैं अभी बार लड़का को पकड़ू, परंतु देखो बाबा बहुत खराब है, यहाँ आयो और हुई के बाद लड़का को हो गयो जो चोर है भाई अपने दिल से लगाए लियो है। बोले हृदय लिए हृदय दिए लखियो वासुत को ताते अधिक रसायो, अधिक रसायो तो क्रोध में आ गए भर के, कहो जाई जसमती सो तत्क्षण मैं जननी सुत तेरो। महाराज गोदी से धम्म सीना उतरे और भाग के जसमती के पास पहुंच गए और जसमती से बोले मैया मैया मैं बस तेरो छोरा हूं, मैं बाबा को छोरा ना हूं। मैया बोली का है गयो भैया काय बात की कह रहे? बोले अरे बाबा से कही चोर आयो भयो, बाबा ने तो चोर को अपने गले से लगाए रखे हो। आजू नंद सुत और क्यों कछु क्यों ना आदर मेरो, बोले आज तो नंद बाबा ने मेरा आदर नहीं करा, चोर के सामने चोर को गले लगा लिया, मुझे अलग छोड़ दिया मैया। जसुमती बाल विनोद जानी जिए उही ठोर ले आई, दो कर पकड़ी दुलावन लागी घट में नहीं छवि पाई। यशोदा जी समझ गई चक्कर क्या हुआ है। यशोदा जी महाराज यशोदा जी बोली कोई ना टेंशन ना ले, चल चल मेरे संग चल मैं देखूं कौन सो चोर है। महाराज गई और जाके घट पकड़ी बार घड़े को पकड़ो मक्खन के और लेके जल्दी से हिला दियो जोरदारी से यशोदा जी ने, और यशोदा जी ने जैसे ही घड़े को हिलायो जल हिल गयो, और जल हिल गयो दो कर पकड़ी डुलावन लागी घट में नहीं छवि पाई। बाकी बात बोली आ लाला देखे कौन सा चोर है, देख अभी पकड़ के बाहर करो कोई चोर आया है तो, मेरे लाला को ऐसा परेशान कर रहे हो बाकी माखन को खा रहे हो। महाराज जाके देखो तो कोई नहीं दिखा, कोई चोर अब उस माखन की हड्डिया के अंदर नहीं था। कुंवर हसियो आनंद प्रेम बस सुख पायो नंद रानी, कन्हैया बड़ो खुश है गयो बड़े आनंद में आ गयो, बा मैया तेरे कारण ना चोर भग गयो चोर भग गयो। महाराज कन्हैया आनंद में भर भर के हंस रहे है सुख पायो नंद रानी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण के इस आनंद और सुख एवं हंसी को देखकर नंद रानी को बड़ा सुख आ रहा है। सूरज प्रभु की अद्भुत लीला जिन जानी तिन जानी, बोले भैया यह भगवान श्री कृष्ण की माधुर्यमयी जो लीला है जिसको यह प्रेम रस लग गया वही जान सकता है, नहीं तो कोई और नहीं जान सकता है। भगवान भगवान श्री कृष्ण छोटो सो छोरा परंतु पूरे गोकुल नचाए रखो है, इतनो नटखट इतनो चोर, प्रतिदिना हरेक के घर जा जाके चोरी कर रहे हो। मेरी तो इच्छा ऐसी ही कि मैं आज जल्दी से वह पैदा करके 7 वर्ष को कर दूं, परंतु माने इतनी चोरी करी कि मैं 2-2.5 वर्ष कोई करके आज की कथा को पूर्ण करने पर लगो गए।
आज भगवान भैया हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी घड़ी आई हमारे पास, वह घड़ी बता रही है कि समय हो चुको है, आप सबके चूहा निकलने के लिए तैयार होंगे। तो आप सबके चूहों को आदर देने के लिए अब हम अपनी कथा को यहीं पर ही विश्राम दे रहे हैं। जय जय।